हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में। ये शेयर आज आपका क्लोज किया 84.30 पे। ये आपका हाई गया था 86.25 पे और लो गया था 81.70 पे। इसका 52 ईयर्स हाई आपका 92.50 और 52 ईयर्स लो है आपका 49.05। फिनस्टार ने इस शेयर को फंडामेंटली 3 out of 4 का रेटिंग दिया है। ये एक बड़ा मार्केट कैपिटल वाला शेयर है। इसका टोटल मार्केट कैपिटल है आपका 17,715.76 करोड़। और इस शेयर इस साल आपका नेट आपका इंटरेस्ट इनकम किया है 5,533.71 करोड़। और एक चीज, एज पर फिनोलॉजी डेटा, फिनोलॉजी जो साइट है उसमें क्लियरली जो डेटा मिल रहा है उसके हिसाब से राकेश झुंझुनवाला सर, सुपर इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला सर ने इस शेयर में 461.30 करोड़ का निवेश करके रखा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। और फेडरल बैंक ने रिसेंटली आपका NPCI के साथ एक आपका पार्टनरशिप किया है जो आपका कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगा। एक न्यूज आ रहा है, मतलब डिजिटली एक अच्छा फैसिलिटी वो अपने कस्टमर को देखा, तो ये भी एक अच्छा न्यूज है इस बैंक के बारे में। अभी सीधे हम लोग आ जाएंगे मेन टॉपिक में, इसका चार्ट में। पहले इसका बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट देखेंगे, उसके बाद इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट देखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि इस शेयर में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो हम लोग चले जाते हैं इसका बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। देखिए, ये आपका 1 डे का बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट है। ये देखिए, शेयर यहाँ पे आपका 70 रुपीज लो गया था, उसके बाद से शेयर एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे देखिए आपका शेयर 77 रुपीज लो गया था लगभग। अभी ये शेयर आपका अप ट्रेंड है और आज के डेट में शेयर में एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव कैंडल हम लोगों को देखने को मिला। अभी हम लोग चले जाएंगे सीधे इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। आपके सामने अभी इसका इस शेयर का इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं एक मिनट। तो देखिए, इस जगह पे सुपर ट्रेंड ने बाय बोला था, उसके बाद 2-3 दिन शेयर थोड़ा सा गिरा डाला था, लेकिन प्राइस ने इसका जो 200 बेस मूविंग एवरेज है उसको स्टोन नहीं पाया। अभी देखिए, आज के डेट में सुपर ट्रेंड ने बहुत एक अच्छा, मतलब सॉरी, यहाँ पे देखिए एक कैंडल, एक बहुत पॉजिटिव कैंडल बनाया, बहुत एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल बनाया और आज के डेट में ये शेयर ने आपका 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस कर लिया। और आपका यहाँ पे देखिए RSI लगभग 60 को टच करने वाला है और आपका MACD भी यहाँ पे क्लियरली पॉजिटिव दिखा रहा है। तो डे चार्ट के हिसाब से ये शेयर क्लियरली पॉजिटिव बाय सिग्नल दे रहा है। अभी हम लोग बिना इंडिकेटर लगा हुआ एक बार वीकली चार्ट में चले जाएंगे। अभी देखते हैं आपके स्क्रीन पे बिना इंडिकेटर लगा हुआ वीकली चार्ट मैंने खोल लिया। बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट इसलिए देखते हैं कि बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को जो शेयर का ट्रेंड रहता है वो अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो देखिए, ये शेयर वीकली चार्ट में क्लियरली शो कर रहा है कि 37 रुपीज नीचे गया था, उसके बाद से ये शेयर में अप ट्रेंड ही है। देखिए, कोई भी शेयर 1 से 52 है, थोड़ा सा गिरता है ज्यादा बढ़ता है, थोड़ा सा गिरता है ज्यादा बढ़ता है, ऐसे देखेंगे तो क्लियरली आपको अप ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। तो ये शेयर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के वजह से थोड़ा सा गिरा था, लेकिन यहाँ पे देखिए इस वीक में शेयर एक बहुत अच्छा कैंडल बना रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वीकली चार्ट में जो आपका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी एक बार इसको ये डे चार्ट में, इसको वीकली चार्ट में ले लेते हैं, एक मिनट वीकली चार्ट खोल रहे। देखिए, वीकली चार्ट में क्लियरली आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि इसी वीक में इस शेयर में सुपर ट्रेंड ने बहुत अच्छा एक पॉजिटिव कैंडल बना के बाई बोला है और इसी वीक में इस शेयर ने आपका 200 डेज मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है। और कुछ दिन पहले यहाँ पे देखिए आपका 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज के बीच में एक क्रॉस ओवर आया था। मैं हमेशा मेरे वीडियो में बोलता हूं कि जब भी ऐसा क्रॉस ओवर आता है तो शेयर ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे देखिए, RSI भी 60 को टच नहीं किया, लेकिन RSI भी अपट्रेंड है और 60 की तरफ जा रहा है। और MACD थोड़ा सा लो है, लेकिन लास्ट के MACD कैंडल देखिए ग्रीन कैंडल है, तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे मंथली चार्ट में। या फिर देखिए, मैंने मंथली चार्ट ओपन कर लिया, तो नीचे की तरफ देखेंगे तो मंथली चार्ट में भी तो आपको एक अप ट्रेंड देखना दिखाई देगा, लेकिन हम लोग इंडिकेटर वाला चार्ट में जब जाएंगे तो क्लियरली आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं अभी इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। तो देखिए, इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में यहाँ पे आपका कुछ महीने पहले सुपर ट्रेंड ने बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के बाय सिग्नल दिया था, और यहाँ पे देखिए आज के डेट में आपका 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको भी तोड़ दिया है और MACD क्लियरली यहाँ पे बाय बोल रहा है और RSI भी 60 को टच करने वाला है।
तो मेरे हिसाब से अभी इसका कारण मार्केट प्राइस चल रहा है 84.30, लगभग इसी प्राइस में अगर इस शेयर को आप लोग खरीदेंगे तो बहुत जल्दी लगभग 3 से 4 महीने के अंदर ये शेयर आपका 104 पास तक चला जाएगा। लेकिन कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार आपका जो खुद का जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ आपका कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं कोई टिप्स दे नहीं सकता। मेरा जितना फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज है उसके ऊपर मैं यहाँ पे वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली और एंड फंडामेंटली अच्छा है और कौन सा शेयर नहीं है। धन्यवाद।